नीमच के बघाना निवासी सत्यनारायण पिता दौलतराम जाति तेली ने बघाना में स्थित गोपाल मंदिर के नाम 4 बीघा जमीन दान की। सत्यनारायण तेली ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पिताजी दौलतराम की गोपाल मंदिर में गहरी आस्था थी। उनके द्वारा 1997 में अरनिया कुमार में स्थित जमीन का भाई बहनों में बंटवारा किया गया था, जिसमें से लगभग 4 बीघा जमीन की वसीयत गोपाल मंदिर बघाना के नाम पर दान की गई थी। जमीन को दान में देने की हमें पता था, किंतु वसीयत काफी समय से मिल नहीं रही। अभी 7 दिन पहले ही वसीयत के कागजात मुझे मिले, जिसे मेरे द्वारा अग्रवाल पंचायत समिति के पदाधिकारियों को आज सौंप दिया गया। समिति द्वारा इस अवसर पर दानवीर सत्यनारायण का पुष्प माला पहनाकर साफा बांधकर गोपाल मंदिर पर स्वागत किया गया। बताते चले कि दौलत राम जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके द्वारा स्कूल का कमरा भी बनवा कर दान किया गया था। ये वसीयत नामा है जो मेरे पिताजी ने 1997 में करा था, जो मेरे को अब मिला है, जो ये गोपाल मंदिर के नाम से है। तो लगभग 4 बीघा जमीन है, ये गोपाल मंदिर का नाम वसीयत कर गए वो, तो ये गोपाल मंदिर के नाम से मेरे को कागज़ मिला है, तो मैंने ये कागजात समर्पित करा है। ये 1997 में करी है इन्होंने वसीयत, और ये अरनिया कुमार में है जमीन, और हमारे को भी उनकी जमीन हमारे पास भी है, बेटियों को भी दान दे गए, स्कूल का कमरा भी बनाया उन्होंने अरनिया कुमार में, और मेरे पिताजी क्या धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने ये जमीन 4 बीघा के लगभग। दौलत राम जी तेली जो एक बघाना निवासी थे, गोपाल मंदिर में काफ़ी उनकी आस्था थी, और वो गोपाल मंदिर के नाम पे 4 बीघा जमीन वसीयत में 1997 में लिख कर गए, नोटराइज वसीयत है। उनके पुत्र को ये पता थी कि ये वसीयत लिख गए, लेकिन ये कागज़ कहीं रखने में आ गया था, तो काफ़ी ढूंढने के बाद अभी ये कागज़ 5-7 दिन पहले उनको मिला, तो आप मेरे घर पर पधारे अनिल घर के साथ, और ये कागज़ मेरे को दिया कि ये मेरे भाऊजी लिख के गए थे वसीयत, ये मंदिर गोपाल, ये जमीन गोपाल मंदिर के नाम है। फिर इनने मुझे बताया कि मेरे भाऊजी ने खुद ने 52 बीघा जमीन उनके पैसे से खरीदी थी, उसमें हम सब भाइयों को 12-12 बीघा जमीन दे गए, 3 बहनें थी उनको 4-4 बीघा दी, और 4 बीघा मंदिर के नाम, 4 बहनें उनको भी दी, और 4 बीघा मंदिर के नाम, सबको बराबर बांट के गए। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।